रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर दिल्ली आएंगे। दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस के बीच AK-203S राइफल के निर्माण को लेकर समझौते होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को सौंपेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं और कई डील्स फाइनल होनी है इस दौरान भारत और रूस के बीच। तो रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल की डील होगी। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा, लेकिन ऐसे में चूंकि आज रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि इस दौरान कई सारी डील्स होनी है, जिसमें चाहे बात की जाए AK-203S राइफल के निर्माण को लेकर समझौता होना है, और इसके अलावा आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी सौंपने जा रहे हैं। सम्मेलन में हिस्सा भी लेना है रूसी राष्ट्रपति को। दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन हिस्सा लेने वाले हैं। चार तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो काफी खास ये तस्वीरें हैं। पवन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, चूंकि रूसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आज आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान AK-203 असॉल्ट राइफल की डील होनी है, और इस राइफल की अगर बात की जाए तो मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में यानी अमेठी में इसे तैयार किया जाएगा। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है डील। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अमेठी चुना गया है, अमेठी कांग्रेसी गढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की आप संरचना समझेंगी, आने वाले वक्त में चुनाव है और खास तौर से अमेठी में इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो मेड इन इंडिया के तहत यानी किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी सामग्री लगती है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, उसका पूरा प्रारूप जो है वो भारत सरकार को सौंपा जाएगा। यानी भारत के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो इन तमाम खासतौर से मेक इन इंडिया के तहत इस कहा जाए 102 और अलग अलग, आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को लेकर के भी बुंदेलखंड में इस तरह की तैयारी की गई कि अब उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा अलग अलग जो डिफेंस से जुड़े खासतौर से सेक्टर हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश को हब बनाया जा रहा है। अमेठी अब चुना गया है और इस तरीके से खासतौर से रसिया में जो तमाम तरह के उपकरण बनाए जाते थे उसमें यह महत्वपूर्ण भाग है, अगर कहा जाए इसके बारे में तो अमेठी जिक्र किया यहाँ पर पवन गया है में आने वाले समय, चूंकि ये वाकई काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है यूपी के लिहाज से भी रूसी राष्ट्रपति का दौरा। सतीश पे इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अमेठी से। सतीश, अगर बात की जाए रूसी राष्ट्रपति चूंकि भारत आ रहे हैं, दोनों देशों के संबंध तो मजबूत होंगे इसके बाद, लेकिन एक बड़ी बात यह है जिस राइफल की डील होने जा रही है वो अमेठी में ही तैयार की जाएगी मेक इन इंडिया के तहत। जी, आपको बता दें कि जिस दिन से जो है रूस से जो है करार हुआ है अमेठी AK-203 असॉल्ट राइफल बनेगा, उस दिन से जो है अमेठी में जो है चर्चा भी बहुत तेजी से हो रही है कि अमेठी में जो है असॉल्ट राइफल बनेगा जो कि मेक इन इंडिया होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके से अमेठी में चर्चाएं भी है और लोग काफी खुश नजर भी आ रहे हैं। तो जो करार हुआ कहीं ना कहीं जो है रूस का और इंडिया का जो है दोस्ती भी अच्छी होगी और मजबूत भी होगी और अमेठी में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर तो जरूर पैदा होंगे ही, लेकिन एक ये बड़ा कदम यूपी के लिहाज से भी माना जा रहा है पवन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के संबंध तो जरूर मजबूत होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया के तहत अमेठी में ही इस राइफल को तैयार किया जाएगा, रोजगार के नए अवसर भी यहां से क्रिएट होंगे।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है डिफेंस को खासतौर से लेकर के। 203 एके 203 5 लाख यूनिट अगर कहा जाए कि मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी मैन पावर की, जरूरत पड़ेगी टेक्निकल स्टाफ की, जरूरत पड़ेगी तमाम तरह के उन लोगों की जो खासतौर से दक्ष होंगे और अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश में आने का काम करेंगे, वहां पे रहने का काम करेंगे। तो पूरे अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में इसका सीधा फायदा अमेठी के लोगों को जहां होने जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अन्य लोगों को भी फायदा होने जा रहा है। ये बहुत सही बात आपने कही कि ना सिर्फ अमेठी वासियों को बल्कि तमाम यूपी की जनता को भी काफी फायदा इससे होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।